नीत दूसरी है। ये सोच अलग है भाई, हम पढ़े लिखे हैं तो हमको रोजगार मिलना चाहिए, आराम से कुर्सी तोड़े। और वो तो सही है, इनकी कहने का मतलब सही है, रोजगार लाए। बाकी गवर्नमेंट सही काम कर रही है, जो देखिए विकास तो हो रहा है मगर रोजगार नहीं है। ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि आप रोजगार दे सकते हैं चार को, और रोजगारी के पीछे न भागिए स्वयं अकेले। बोलते हिंदू धर्म, हिंदू सबसे बड़ा कार्य यही विघ्नकार है, इस पे बाण लगना चाहिए। कहीं भी भगवान की फोटो कहीं कोई छपना नहीं चाहिए, जो भी पूजा सामग्री हो किसी प्रकार की भी जो कहीं नहीं छपना चाहिए। जो 500 वर्ष पहले से हमारे प्रभु श्री राम तंबू के नीचे विराजमान थे, दुर्भाग्यता हम सबों की इच्छा थी कि राम जी की स्थापना हो। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति का विजय नहीं होगा तो हमारे देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जहाँ तक बेरोजगारी का संबंध है वो बात अपनी सभा कर सही है, लेकिन मोदी जी की नीत अलग है बेरोजगार के संबंध में। वो जो है आप रोजगार दीजिए, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि आप रोजगार दे सकते हैं चार को, और रोजगारी के पीछे न भागिए स्वयं अकेले। आप पैसा लीजिए, बिना ब्याज के लीजिए, व्यापार करिए, चार आदमी को और रोजगार दीजिए। तो उनकी नीत दूसरी है, ये सोच अलग है भाई, हम पढ़े लिखे हैं तो हमको रोजगार मिलना चाहिए, आराम से कुर्सी तोड़ें, सब रोजगार ये चाहते हैं। और उनकी नीत दूसरी है, हम पैसा दे रहे हैं, आप मेहनत करिए, चार आदमी को रोजगार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार विकास की बात जो है, अब इधर ही आ जा रहे हैं। विकास की बात जो है कुंभ की, हर आदमी देख रहा है पूरे जिले में कि क्या विकास हो रहा है, कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने रेलवे पुल बन रहे हैं, कितने जो है सड़कें बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, ये सब जानता है। कोई अपने अपने कारण अगर कोई नाराज हो तो बात दूसरी है, बाकी गठबंधन माने कुछ नहीं, गठबंधन माने कुछ नहीं, केवल मोदी और 400 पार। जब हमारा चाइना कह रहा है एंटी देश कंट्री कि 430 सीट पाएंगे, पाकिस्तान कह रहा है कि 4 से ऊपर जाएंगे, अमेरिका कह रहा है 392 सीट पाएंगे, हम इंडिया में हो करके हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं 250 पाएगा? बोलिए, हौसला रखिए, साथ दीजिए, 400 पार होगा। दादा कह रहे हैं रोजगार रोजगार मत करिए सर, रोजगार की व्यवस्था करिए और लोगों को भी। और लोगों को वो तो सही है, इनकी कहने का मतलब सही है, रोजगार लाएं। बाकी गवर्नमेंट सही काम कर रही है, जो देखिए विकास तो हो रहा है मगर रोजगार नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। रोजगार लाए, युवा को जिस लायक है उसको दिखाया जाए, मतलब बिल्कुल रोजगार आना चाहिए। रोजगार बड़ी चीज है और रोजगार को लेकर काफी कुछ बात भी हो रही है। चलते हैं हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। धन्यवाद दादा, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। दादा इस बार क्या माहौल है, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? मोदी सरकार, मोदी सरकार। मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ के? मुद्दे ये जनता यही चाहती है कि सरकार जो है हमारा ख्याल रखे, ऊपर यहाँ जो यात्री आते हैं इनकी सुविधा के लिए, यही सब और क्या है, यही चाहते हैं जनता जो उनसे। बाकी सब ठीक? बिल्कुल ठीक है जो है, सारे परेशान है, जितने गठबंधन सारे परेशान है। महाकुंभ भी होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है? उसकी भी बहुत जोर से अच्छे से तैयारी हो रही है। इस बार तो और दिव्य कुंभ होगा, इस बार कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है जो है, ऐसा कुंभ होगा जो है कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल जो पूजा सामग्री पे जो फोटो भगवान की छपती है, जो है दुर्गा जी, हनुमान जी, दुर्गा और काली जी, सब जी जो भी है, जो सामान बिक्री के लिए आता है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर तो जो है फोटो छपना बंद होना चाहिए। उस पर कतई किसी भी सामान पूजा सामग्री पे या पेपर पे कहीं भी भगवान की फोटो छपना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सड़क पर फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, कैलेंडर जो साल भर जो है घर में टांग लिया, उसके बाद जब उसका जो उपयोग खत्म हो गया तो उसको जो सड़क पर फेंक दिया। इसके लिए कोई आज तक कोई राजनीतिक, कोई नेता, कोई दुकानदार, कोई कुछ नहीं बोला है, मगर ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो है विनाशक कार्य यही है। बोलते हैं हिंदू धर्म, हिंदू सबसे बड़ा कार्य यही विघ्नकार है, इस पर बाण लगना चाहिए। कहीं भी भगवान की फोटो कहीं कोई छपना नहीं चाहिए, जो भी पूजा सामग्री हो किसी प्रकार की भी जो कहीं नहीं छपना चाहिए जो है। इसके लिए जो है सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए जो है,
मैं इस पर कोई नहीं सोचता है, केवल पेपर में छप गया, पेपर पढ़ लिए, उसका उसमें खाना खा रहे हैं, उसे सड़क पर फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, पैर के नीचे दबा जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है जी। इसके ऊपर सबसे पहले गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। संगम नगरी प्रयागराज की छवि अलग है, यहाँ पर लोग आते हैं, देश भर से आते हैं, और अभी तो महाकुंभ भी होने वाला है, और भी लोग यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ को बहुत करीब से जानते हैं। महाराज जी, आप यहाँ चीज़ों को देख रहे हैं, जी जी। चुनाव चल रहा है, जी जी। क्या कुछ माहौल इस बार दिखाई दे रहा है? मुदमंगल में संत समाजू जो जही जंगम तीर्थ राजू। इस समय हम लोग आज प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा जो प्रयागराज हैं यहाँ स्नान करने पहुँचे हैं, और सनातन की जो व्यवस्था है तो सनातन की रक्षा करना हम सबों का कर्तव्य बनता है, सनातन धर्मावलंबियों को। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जो देवी देवता का फोटो, ये जो चर्चा कुछ क्षण पहले हम लोगों ने किया, अगरबत्ती पे, तेल पे, जर्दा पे, खैनी पे, बिणी पे जो भी देवी देवताओं का तस्वीर चिपकाए जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे सनातन धर्मी के देवताओं को मजाक बनाया जा रहा है। धर्मो एव हतोहंति धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म का हनन करने वाला व्यक्ति का अधर्म करने नहीं रक्षा करने वाला का स्वतः नाश हो जाता है। ये सब हम सबों का कर्तव्य बनता है कि धन्यो सनातन धर्म, सनातन धर्म धन्य है, इस धर्म का रक्षा हम सबों को करना चाहिए। सभी का सबों का धर्म का रक्षा करना कर्तव्य बनता है। और रामराज की जो इलेक्शन चल रहा है इसके विषय में आप पूछना चाह रहे थे, तो धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म के लिए कार्य करता है उसी का तो साम्राज्य होना चाहिए ना। जो 500 वर्ष पहले से हमारे प्रभु श्री राम तंबू के नीचे विराजमान थे, दुर्भाग्य था, हम सबों की इच्छा थी कि राम जी की स्थापना हो, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति का विजय नहीं होगा तो हमारे देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो मानते हैं इस बार राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, हम यहाँ पर चीजें बेहतर करेंगे, रोजगार की गारंटी हो जाएगी, 1,00,000 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कहने से नहीं होगा, करने से होगा। अब इन दिनों तक लोगों ने जो राज्य किया तभी तक ये लोग का मुद्दा कहाँ रहा, अभी तक ये मुद्दा हो जाना चाहिए। ये तो कहने की बात है ना कि मैं 1,00,000 रुपया दे दूंगा, हम ये कह सकता हूँ मैं 5,00,000 रुपया दे दूंगा, तो कहने से तो नहीं होगा, करने से होता है। देश हित में जो कार्य हो रहा है, आज हमारे सनातनी हमारे देशवासी कहीं भी जाते हैं देश विदेश में तो माथा उठाकर बात करने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है। आज काशी में जाइए, अयोध्या में जाइए, तीर्थ स्थान में, तब पता चलता है कि हमारा धर्म और देश के लिए क्या हो रहा है। मौका मिलेगा तभी तो करेंगे। मौका तो लोग देंगे और देना भी चाहिए, नहीं देंगे तो दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कार्य करने वाले लोग, देश हित में जो कार्य हो रहा है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तो आना ही चाहिए।